युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल भिलाई द्वारा विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भिलाई वासियों के मनोरंजन हेतु मुंबई के प्रसिद्ध हास्य कलाकार जॉनी लीवर के छोटे भाई जिमी मोसेस ने ग्रैंड एशियन न्यूज से विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत की खास अंश। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम भिलाई होटल में हैं और यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत आराम फरमाने जा रही थी जिनको मैंने पकड़ा है कि दो मिनट मुझे भी दे दीजिए। कॉमेडी किंग जिमी मोसे सर आज हमारे बीच हमको हंसाने के लिए शामिल होंगे। युवा खेल सांस्कृतिक मंडल भिलाई के द्वारा जो दशहरा का पर्व मनाया जाता है हर वर्ष एक अच्छा पहचान के तौर पे वो किसी कॉमेडियन को लाना या शख्सियत को लाने का काम करते हैं। इस वर्ष उन्होंने जिमी मोसे सर को लाकर शहरवासियों को हंसाने का प्रयास किया है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी भिलाई में। सर इसके पहले आप भिलाई कभी आ चुके हैं? भिलाई पहली बार आया हूँ, वैसे छत्तीसगढ़ इसके पहले आ चुका हूँ गवर्नमेंट के काम के लिए। सलमान खान उनके साथ परफॉर्म करने आया था। भिलाई फर्स्ट है। भिलाई जैसे एक लौह नगरी है, यहाँ पर मैंने कलाकारों की बहुत इज्जत करने वाले, उनको पहचान परखने वाले लोग हैं, इनके लिए क्या नया हंसी का खजाना लाए हैं आप? हंसी का खजाना ये है कि सब नई नई बातें हैं, जैसे कोविड से जुड़ी हुई बातें हैं और पॉलिटिकल बातें हैं और फिल्मों से जुड़ी हुई बातें, सब नई नई बातें जो लोग जानते हैं उस चीज़ को कनेक्ट करते हुए जिससे वो एंजॉय कर सके, ऐसी सी बातें हैं। आप और राजू श्रीवास्तव सर ने एक ही मंच साझा किया है लाफ्टर चैलेंज में, राजू श्रीवास्तव के साथ जो आपका पल था, अनुभव कैसा था? क्योंकि आप भी एक टक्कर के कॉमेडियन हैं, वो भी एक टक्कर है। नहीं, राजू भाई हमारे सीनियर कलाकार, मेरे से 7 साल सीनियर है हमारे फील्ड में, मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनका, बड़े भाई हैं हमारे। मैं लाफ्टर चैलेंज में एज ए कंटेस्टेंट नहीं गया था, मैं एज ए चैम्पियन एज ए गेस्ट मुझे बुलाया गया था। और राजू भाई जो है हम पुराने मोहल्ले में साथ में रहते थे, तो हम मेरे सीनियर हैं, मैंने उनको देख के सीखा है, उनको देख के बहुत इन्जॉय किया है और बस अभी उनको मिस करते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से उनका अकस्मत हुआ, ये डेथ हुआ है, उसके लिए हम बहुत 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 मिस करते हैं उनको। बहुत अच्छे बड़े भाई का दर्जा रखते थे और जब भी साथ में रहते तो हम लोग बड़े अच्छे दोस्त की तरह हमसे पेश आते थे। सर आजकल कॉमेडी में फुहड़ता बहुत शामिल हो गई है, लोग जो कई सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो काफ़ी फुहड़पन को जन्म देते हैं कि कॉमेडी फुहड़ लगती है, ऐसा क्यों? नहीं, फुहड़ता का ऐसा है कि देखिए पब्लिक लोग तो जैसे खासतौर पर कुछ शोज़ होते हैं ऐसे फुहड़ बोलते हैं जो वल्गर या डबल मीनिंग के जोक्स होते हैं और उनके ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन वो उस टाइप का शो होता है, एक टाइप का शो होता है जो लोग भी सुनने आते हैं। और रही बात हम जो कॉमेडी करते हैं वो हम लोग फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी करते हैं, जहाँ पर पारिवारिक बच्चे माता बहनें सभी साथ में बैठे हों। तो ज़्यादातर 90% शोज़ हम लोग जो करते हैं हिंदुस्तान में जो शोज़ होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड शोज़ होते हैं। तो हमारी जो स्कूलिंग है फैमिली ओरिएंटेड है, तो हम लोग फुहड़ता की तरफ जाते नहीं, डबल मीनिंग या वल्गर जोक्स हम यूज़ नहीं करते, और जो करते हैं उनको ऑडियंस रिस्पॉन्स देती है, तो उनकी भी एक ऑडियंस बनी हुई है लेकिन कम है, और ज़्यादातर ये इस तरह की जो साफ सुथरी जो कॉमेडी है वही पसंद करते हैं। अभी चंद ही घंटे हुए हैं आपको भिलाई में आए हुए, यहाँ की जनता आपको कैसा प्रतिसाद देगी, आपको कैसा लगता है? कुछ लोग जैसे लिफाफा देख कर ही खत का मजमून जाना जाता है, जो आपके सत्कार पे यहाँ पे लोग लगे थे उनको देख कर कैसा लगता है, शाम का माहौल कैसा होगा? नहीं, शाम का माहौल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा शो होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत शांत स्वभाव के हैं और मैंने सुना भी है और इसके पहले का भी मुझे एक्सपीरियंस है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो कॉमेडी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ, मतलब शरद जोशी जी यहाँ से निकले हुए हैं और हरिशंकर परसाई जी सब इसी ज़मीन से हैं, के नायकर साहब वगैरह, तो जो उन्होंने अच्छे काम किए, तो जो ऑडियंस कॉमेडी ह्यूमर एंजॉय करती तब जाके ऐसी कॉमेडी निकलती है। तो हमें मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा शो होगा, बहुत ही एंजॉय करेंगे पब्लिक और मैं भी बहुत एंजॉय करूँगा। भिलाई वासियों के लिए यही संदेश है कि मैं सभी के लिए यही संदेश देता हूँ कि अभी देखिए 2 साल जो है हम सब रुके हुए थे, खुदा ने हमको हमारे सारे यंत्र दिए चलाने के लिए, लेकिन हम 2 साल पूरी दुनिया रुक गई थी,
तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, हार्ट डिजीज हो रहे हैं लोगों को, स्ट्रेस बढ़ गया है। तो जितना हो सके मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे छोटे पल होते हैं उनको संजोए और इन्जॉय करें, अपनों से मिले, दोस्तों से इन्जॉय करें, और ये स्ट्रेसफुल लाइफ जो है इसको डिलीट कर दे अपने लाइफ से, और फिर से हम इन्जॉय करें और नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय से हमको कुछ समय लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जिमी ओसे सर, आज वो भिलाई दुर्ग वासियों को जमकर हंसाएंगे ऐसा उन्होंने वादा और दावा दोनों किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।